हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर डिसिपेशन। ये आपने पहले कभी सुना होगा, 10th क्लास में भी आपके पास आया था, बट आज मैं आपको बहुत डिटेल कंसेप्ट दूंगा और इन द एंड एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिसमें आप जो 30 मिनट में पढ़ोगे वो 15 सेकंड में आपको याद हो जाएगा। तो आपको अगर सिर्फ वो कंसेप्ट सीखना है तो आप वीडियो को स्किप कीजिए, 15 सेकंड में वो लास्ट की बात सुनिए और आप इस वीडियो को ओवर कीजिए। बट अगर आपको फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स को फील करना है और अच्छे से कंसेप्ट की गहराई में उतरना है तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं नवनीत भंडारी आपका वेलकम करता हूँ इस चैनल पर, और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ये आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज देने वाला है इन फ्यूचर। एनसीईआरटी सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, और आपके जो कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है नेक्स्ट ईयर, जो लॉकडाउन के बाद आपके पास बहुत कम टाइम होगा, तो ये लेक्चर्स आपको तब बहुत हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो बच्चों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। एनर्जी का वजूद कहां से है? वर्क डन से। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज व्हाट? एनर्जी। अब एक्चुअल में हम इसको समझते हैं कि सर्किट में वर्क डन कौन कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा सेल। सेल वर्क डन कर रहा है ना। सेल का काम क्या है? चार्ज को एनर्जी देना, जिससे वो चार्ज घूम कर आए सर्किट में और दोबारा से बैटरी के पास आ जाए। सेल यही काम कर रहा है, मतलब हाँ, बैटरी यही काम कर रही है, सेल यही काम कर रहा है। अब ऐसे समझो जरा इस कहानी को। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो लिखी हुई है सामने, कि सेल चार्ज को पैदा नहीं करता, सेल सिर्फ चार्ज को इतनी एनर्जी देता है कि वो सर्किट का पूरा चक्कर लगाता रहे। क्लियर है? अब ये इस बात को ऐसे समझो कि भाई देखो, सेल और एनर्जी और चार्ज का क्या कंसेप्ट है। सेल चार्ज को पैदा नहीं करता, सेल चार्ज को एनर्जी देता है। सबसे बड़ी बात, इसको लिख लो चाहे 10 बार लिख लो, ये बहुत बड़ा मिथ है। अब सेल को आप सेल ना समझो, वो एक माँ की तरह है, और वो माँ अपने बच्चे को जब पॉकेट मनी देती है तो वो बच्चा क्या करता है? बच्चा सबसे पहले मार्केट में जाता है, फिर वो सबसे अच्छी दुकान पर जाता है, अच्छी दुकान पर अच्छे पैसे खर्च करके आता है, फिर जब उसके पास पैसे कम रहते हैं तो किसी लोकल दुकान के पास जाता है, फिर लोकल दुकान पर थोड़े से पैसे खर्च करके आता है, और जब उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं फिर माँ के पास दोबारा जाता है कि माँ मुझे पैसे दो, मैं तो सारे खर्च कराया। अब माँ का तो लाडला है बेटा, वो माँ तो दोबारा से उसको पैसे देगी, ले बेटा कोई बात नहीं, जा अपने पापा को मत बताइयो। तो फिर दोबारा से मार्केट जाएगा, दोबारा से पैसे खर्च करेगा, दोबारा से माँ के पास आएगा, और माँ का दिल तो बहुत बड़ा, माँ ये करती रहेगी। ठीक है, जब तक बच्चा उसका 50-60 साल का नहीं होगा, माँ उसको पॉकेट मनी देती रहेगी अगर वो इंडियन में है। अब यहां पर इस कंसेप्ट को कैसे समझना है, आपने देखो यहां पर चार्ज जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? इस बैटरी पर। ये बैटरी माँ की तरह ही तो है, ये बैटरी चार्ज को क्या देगी? एनर्जी। जा बेटा जा, जा चक्कर लगा के मस्त सर्किट का। जैसे ये चार्ज पहुंचेगा R1 के पास, रजिस्टर के पास, यहां पर क्या कर देगा ये? अभी R1 रजिस्टर क्या हो सकता है? R1 कोई भी एक डिवाइस हो सकता है जो आपने कनेक्ट कर रखा है। तो ये चार्ज जैसे ही इस डिवाइस के पास जाएगा तो ये इसको मस्त एनर्जी को लुटा देगा। जा आज मेरी माँ ने मुझे पैसा दिया है। फिर ये इसके पास जाएगा, इसके ऊपर भी पैसा लुटा देगा, आज मेरी माँ ने मुझे पैसा दिया है। बट एक्चुअल में वो पैसा नहीं लुटा रहा है, वो एनर्जी लुटा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर याद रखो। तो जैसे ही चार्ज एनर्जेटिक होता होता वापस यहाँ तक पहुँचेगा, अब ये खाली हो चुका है, इसको दोबारा से माँ की याद आ रही है, दोबारा से क्या इस माँ के पास जाएगा कि मुझे थोड़ी सी और एनर्जी दो, और ये काम बैटरी करती रहेगी, ये काम सेल करता रहेगा। तो अल्टीमेटली कहानी का इलेक्ट्रिक एनर्जी की ये वर्कडन होता है बच्चों, जो कोई सोर्स कर रहा है किसको मेंटेन करने में? चार्ज को, फ्लो को मेंटेन करने में सर्किट के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई वर्कडन यहाँ पर सेल कर रहा है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर, जिसकी वजह से वर्कडन चार्ज के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अल्टीमेटली वर्क डन बाय सेल क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज। और क्या यही मैं बोल सकता हूं कि यही इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं कि भाई सेल कितना ज्यादा वर्क डन कर रहा है चार्ज के ऊपर, यही बेसिकली आपकी क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो अलग अलग रूप में आपको दिखाई देती है डिवाइसेस के अक्रॉस। तो देखो जरा इस कहानी को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो मुझे समझ आया कि भाई सेल ने जो वर्क डन किया वो है W, और वो आ रहा है वी क्यू के इक्वल, जो डेफिनेशन है। अगर ओम्स लॉ यूज करूँ तो वी होता है IR के इक्वल, और क्यू को लिखता हूँ मैं IT। तो दिस इज ओम्स लॉ और दिस इज कंसेप्ट कि क्यू इज इक्वल टू IT। जब इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस करूँ तो बच्चों जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? वी इज इक्वल टू IR और क्यू इज इक्वल टू IT, जिसकी वजह से जो वर्क डन है ये क्या बन जाता है? I² RT। तो कहीं ना कहीं यही आपको क्या मिल गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय एनी डिवाइस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं बच्चों कि ये रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम का है, यहाँ पर इसके अक्रॉस करंट गया 2 एम्पियर और 4 सेकंड के लिए फ्लो करा, तो मैं बता दूंगा कि इस
लाडले बच्चे ने कितना यहाँ पर पैसा लुटाया, या इस करंट ने यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कराया, या इस चार्ज ने कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कराया। तो जब भी आपको करंट और रेजिस्टेंस गिवन होगा तो हीट एनर्जी निकालने, हीट एनर्जी की तो बात ही नहीं करनी अभी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी आई स्क्वायर आर टी की, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, आई को कन्वर्ट कर दो वी बाय आर लिख दो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर स्क्वायर, आर एज इट इज टी एज इट इज, तो यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। तो जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस और आर की टर्म्स में इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन निकालना हो तो आप ये निकाल दो वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। अच्छा, अब इस कहानी को मैं ये भी लिख सकता था, देखो सबसे पहले जैसे था वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू, अगर मैं क्यू को कन्वर्ट कर दूं तो वो क्या आ जाएगा वी इंटू में आई इंटू में टी आई टी, राइट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ये भी बन रहा है वी आई टी। तो ये किसकी टर्म्स में आया, ये आया वोल्टेज और करंट की टर्म्स में। तो इस तरह से आपको बच्चों तीन अलग अलग इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूलाज यहाँ पर पता लग गए, आई आर की टर्म्स में भी, वी आर की टर्म्स में भी और वी आई की टर्म्स में भी। तो इस तरह से मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन कि मुझे क्या गिवन है। तो इसको नोट डाउन करो बच्चों, वीडियो को पॉज करके। अब कंसेप्ट करते हैं कि पावर क्या चीज होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो चलो समझ आ गई कि ये तो वर्क डन है जो सेल कर रहा है चार्ज के ऊपर, या ये वो एनर्जी है जो चार्ज को मिल रही है और चार्ज लुटा रहा है अलग अलग डिवाइसेस के अक्रॉस। तो आगे की कहानी क्या है, आगे हमको पढ़ना है पावर, फील द पावर। तो पावर को देखते हैं कि क्या हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो मैकेनिक्स में पावर को हम बोलते हैं क्या, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लगा देता हूँ और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक लगा देता हूँ। लो जी, ये डेफिनेशन बन गई कि सेल कितना इलेक्ट्रिक वर्क डन कर रहा है विद द टाइम, तो वो क्या होगा पावर। नहीं समझाया तो अब देखो जरा, मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी डिवाइस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आपको, ये सेल ने यहां पर एक बल्ब लगा दिया हमने और यहां पर लगा दिया की, यहां से करंट निकला, इसका बल्ब का रेजिस्टेंस है आर, तो बल्ब की पावर कैसे डिफाइन होगी। बल्ब की पावर ऐसे डिफाइन करेंगे कि बल्ब ने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया गिवन टाइम में। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि भाई अगर आप मार्केट से 100 वाट का बल्ब लेकर आ रहे हो और मार्केट से आप 200 वाट का बल्ब लेकर आ रहे हो, तो आप ये जज कर सकते हो कि 200 वाट का जो बल्ब होगा वो सेम टाइम में, अगर दोनों को मैं सेम टाइम के लिए ग्लो करूं, दोनों को हमने मान लो दो दो मिनट के लिए ग्लो करा, जो ज़्यादा पावर वाला बल्ब होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करेगा और जो कम पावर वाला बल्ब होगा वो कम एनर्जी को कंज्यूम करेगा, राइट, विद द टाइम। तो पावर रेटिंग मुझे ये बताती है कि कोई डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कितना ज़्यादा कंज्यूम करने वाला है, ठीक है बच्चों। तो जितने हैवी डिवाइसेज होंगे जनरली उनकी पावर रेटिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो क्या होंगे, दे आर जायंट्स, और वो क्या ज़्यादा उनको भूख लगेगी और ज़्यादा वो पावर को कंज्यूम करेंगे, एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, सॉरी। तो आपको एक चीज़ और जो समझनी है बच्चों, वो ये समझनी है, देखो पावर को मैंने बोल दिया ना एनर्जी बाय टाइम। अब एनर्जी के तीन रूप है, और ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ अभी, ये किसके लिए, अभी कॉन्स्टेंट करंट के लिए है सारी। अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि कॉन्स्टेंट करंट है, राइट, तो ये चीज वैलिड है आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी और वी आई टी। ये सब कुछ वैलिड तब है जब करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, राइट। अगर करंट को वेरिएबल कर दिया जाए, अब वेरिएबल और कॉन्स्टेंट कैसे, मैं बोल दूं अगर कि करंट मान लो 4 एम्पियर है और टाइम के साथ ये नहीं बदला, तो मैं लगा दूंगा सीधा की सीधा ये वाला फॉर्मूला। लेकिन जब भी करंट वेरिएबल हो, मैं आपको ऐसा बोल दूं भाई करंट का जो रिलेशन है वो ये है कुछ 2t2, यानी कि 1 सेकंड पर करंट है 2 सेकंड पर करंट कुछ और है, 10 सेकंड पर करंट कुछ और होगा। नाउ करंट इज चेंजिंग विद द टाइम, ठीक है बच्चों। एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या कैमरा एंगल में सब कुछ आ रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो देखो, तो करंट इज चेंजिंग विद द टाइम, इसका मतलब मैं पावर को क्या लिखूंगा, पावर इज वर्थ डीई बाई डी टी। एनर्जी भी यानी कि चेंज हो रही होगी विद द टाइम। अरे यार, करंट चेंज होगा तो एनर्जी भी तो फ्लक्चुएट होगी, एनर्जी भी तो अलग अलग होगी, है ना, एक सेकंड में कुछ और, दो सेकंड में कुछ और। तो यहां पर अगर मैं एनर्जी को डिफाइन करने लगूं तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा बच्चों, पी डॉट डी टी,
राइट। और अगर मुझे बोला जाए कि पहले 10 सेकंड तक के लिए बताओ, तो मैं इंटीग्रेशन की लिमिट ले लूंगा 0 से टी, और पावर को अगर मैं लगा दूं आई स्क्वायर आर डॉट डी टी, और तो आपको एनर्जी मिल जाएगी, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो आप उस केस में ये वाली चीज करोगे। अदरवाइज सिंपल सा ये टेक्निक याद रखो कि भाई वेरिएबल चीजें हैं तो पी डॉट डी टी इज इक्वल टू ई, ये चीज आपने वैलिड रखनी है वहां पर, मतलब टाइम की लिमिट लो यहाँ पर, राइट। तो एनर्जी को ऐसे निकाला जाएगा। फॉर वेरिएबल यू हैव टू अप्लाई दिस, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मैक्सिमम नंबर पे आएंगे। तो बच्चों अगर मैं पावर को डिफाइन करने लगूं तो देखो पावर के कितने फॉर्मूले बनते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या बन सकता है, एनर्जी बाय टाइम। और एनर्जी कितने तरीके से हमने डिफाइन करके, तीन तरीके से। तो देखो आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी करूंगा तो पावर का फॉर्मूला एक बन जाएगा आई स्क्वायर आर, दिस इज फॉर्मूला नंबर वन। पावर को अगर मैं सेकेंड फॉर्मूला देखो जरा, वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी, इसको भी अगर टी से डिवाइड कर दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या, वी स्क्वायर बाय में आर, दिस इज सेकेंड फॉर्मूला। अगर पावर को डिफाइन करूं इस तरीके से तो वी आई टी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, वी आई टी अपॉन में टी। लो जी, तो ये भी फॉर्मूला बन गया आपके पास, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो पावर के भी इन टर्म्स ऑफ करंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज करंट, तीन फॉर्मूले हमने ड्राइव कर दिए, ठीक है। हम सिर्फ देखो, हम सिर्फ ये नोटिस करेंगे बच्चों, देखो मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूं। कई बार हमको बोला जाता है कि पावर डिसिपेशन निकाल लो। अब ये पावर डिसिपेशन का मतलब पता क्या होता है, देखो अगर यहां पर कोई रजिस्टर लगा हुआ है और यहां पर क्या कोई सेल लगा हुआ है इस तरह से, अब सेल ने चार्ज को एनर्जी दे दी, अब चार्ज अपनी एनर्जी को इसके क्रॉस बर्बाद करेगा, लुटा आएगा। मतलब वही हुआ ना कि भाई माँ ने बच्चे को पैसे दिए, और बच्चा हमेशा कहाँ सुनता है, वो उसको का पैसे को बर्बाद कराए किसी शॉप के ऊपर, 2000 वाली जीन्स थी वो उसको 5000 रुपये में ले आया, तो माँ ने बोला अब तो बेटा पिटेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरी माँ, मैं तेरे को फिर से पैसे दूंगी। चलो तो यहां से कहानी ये समझ आ रही है बस कि रजिस्टेंस पर एनर्जी बर्बाद होती है, और जब वो विद टाइम हम देखने लग जाएंगे कि कितने टाइम में कितना पैसा बर्बाद हुआ, कितने टाइम में कितनी एनर्जी बर्बाद हुई, तो उसको मैं नया नाम दे दूंगा बेटा क्या, पावर डिसिपेशन। ये बात घूमकर क्या बन जाएगी, पावर डिसिपेशन। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा, मैंने लेक्चर को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करी है ताकि आप एग्जाम्पल से चीजों को याद रखो, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो और वीडियो को पॉज करो ताकि आपको कुछ भी यहाँ पर मिस ना हो जाए। ये देखो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और न्यूमेरिकल्स भी ठीक है, इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते इसके ऊपर, लेकिन हाँ अगर आएंगे तो आपको तकलीफ ना हो, इसलिए आपको कंसेप्ट कराया जा रहा है कॉम्प्लीट। तो इसको नोट डाउन करो और अब हम आते हैं मेन कहानी के ऊपर। देखो अब कुछ ऐसे कंसेप्ट, अच्छा ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, पता ही होगी पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। वन वाट को डिफाइन करना हो तो क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट बातें आप जानते हो पहले से, वन वाट का मतलब क्या होगा, व्हेन वन जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन वन सेकंड देन पावर इज सेड टू बी वन वाट। हायर यूनिट क्या होगी, किलो वाट होगी बच्चों, ठीक है। तो टेंथ क्लास की बातें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हर एक बच्चे को पता ही होगी। अब देखो जरा समझो इस चीज को, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर है 10 ओम का, और यहाँ से करंट आया मान लो 2 एम्पियर का, और ये टी इज इक्वल टू 10 सेकंड के लिए फ्लो करा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि पावर डिसिपेशन कितना हुआ, सीधा सीधा बोलते हैं कि पावर बताओ कि कितनी यहाँ पर कंज्यूम हुई, क्या लंबी चौड़ी लाइनें लिख रहे हैं हम। तो आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे पूछता कि कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर स्पेंड हुई, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड हुई तो लिखूंगा मैं आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्पेंड होने का रेट निकालो या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालो, तो अगेन वो क्या होती, पावर। जहां पर भी रेट वर्ड आ जाए वहां पर अपने पावर निकालना है। तो देखो बहुत ईजी है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालनी हुई यहां पर तो मैं कैसे निकाल दूंगा, आई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना है यहां पर 10, और टाइम कितना है यहां पर 10, तो बच्चों ये आ जाएगा 400 जूल। अगर यहीं पर पावर निकालनी होती तो ये क्या होता बच्चों, 400 जूल डिवाइड बाय टाइम 10, तो इतना आता 40 वाट। सो इजी क्वेश्चन, राइट। चलो अब इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि अब सेम सर्किट है, चलो 10 ओम का करंट को ले लेते हैं हम 10 सेकंड, और करंट जो फ्लो कर रहा है बच्चों वो फ्लो कर रहा है 40। नाउ दिस करंट इज वेरिएबल विद द टाइम,
टाइम चेंज करोगे तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेट मी सी कि क्या विजिबल है सब कुछ। बहुत बढ़िया, सब कुछ नजर आ रहा होगा, बिंदास नजर आ रहा होगा। तो बच्चों अब ये वाली कहानी देखो जरा, यहां पर करंट कर रहा है 40, करंट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, जैसे कि मैंने बताया रजिस्टर है 10 ओम और टाइम दे रखा है 10 सेकंड। तो यहां पर कंसेप्ट क्या लगाना है एनर्जी के लिए, DE/dt, और उसके बाद आप DE को कैसे निकालोगे, पावर इनटू में DT, और उसके बाद आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन लोगे जिससे आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और पावर क्या लगाओगे बेटा, आप I²R और साथ में DT। I की वैल्यू कितनी है 40, तो ये हो जाएगा 16T² इंटू में R, साथ में आ जाएगा DT। इंटीग्रेशन करना मत भूलना 0 से 10 सेकंड के लिए, पहले 10 सेकंड में आपसे पूछा गया है। उसके बाद 16t² का इंटीग्रेशन इज वेरी 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 इजी, इट विल बी 16t³/3 इंटू में आर। अगला काम क्या है बच्चों, ये आपने एनर्जी निकाल दी टोटल, अगला काम क्या है 16 इंटू में टी का क्यूब, टाइम है 10 सेकंड, 10 इंटू में 10 का क्यूब/3। रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। ओके तो ये तो बहुत ईजी हो गया बच्चों, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई देखें, यहाँ पर कंज्यूम हुई 1, 2, 3, 4, इट इज 1, 6, और यहाँ लगा दो 4, 0 है 1, 2, 3, 4, हाँ ठीक है। तो इतनी जूल एनर्जी को कंज्यूम किया गया, राइट, साथ में क्या लगा देना जूल, राइट। सो दिस इज द कंसेप्ट, ऐसे आप कर सकते हो, राइट, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस आपको ये देखना है कि करंट वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन वाली अप्रोच, अगर कॉन्स्टेंट है तो ये वाली अप्रोच। इसे आगे चलते इसे कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा है सामने, क्वेश्चन को देखो जरा, एक सर्किट आपको दे दिया 2 ओम का रजिस्टर यहां पर, 2 ओम का यहां पर, बोथ आर इन पैरेलल, और इनके साथ सीरीज में जोड़ दिया 4 ओम का रजिस्टर। अगर मैं इसको नाम दे दूं R1, इसको नाम दे दूं R2, इसको नाम दे दूं R3, आपसे ये पूछा गया कि अगर इस सर्किट में करंट 4 सेकंड तक फ्लो करा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करी 2 ओम के रजिस्टर ने, ऐसा हटा देते हैं। तो लेट अस टेक कि भाई इसके लिए हमने क्या निकाला, एनर्जी बतानी कि एनर्जी कितनी कंज्यूम करी इसने 2 सेकंड में, मतलब 4 सेकंड में। तो पहली चीज तो ये है, अब यहां पर बच्चों मुझे करंट नहीं पता, मुझे रेजिस्टेंस पता है और मुझे टाइम पता है, तो अल्टीमेटली मेरी पहली अप्रोच क्या रहेगी कि मैं करंट को निकालूं। तो टोटल करंट निकालना है आपने, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अच्छा एक चीज और, यहां पर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं कर रहा हूं, इसलिए यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं V/R। अगर यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस EV होता तो मैं क्या लिखता यहां पर E/R, समझ पा रहे हो, क्योंकि देखो ना कंसेप्ट क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हो तो ये कुछ ऐसे आप पढ़ते हो इसको कि जो EMF है वो क्या होते हैं V+IR। जब यहाँ पर कोई R की वैल्यू ही नहीं है, R की वैल्यू 0, तो यानी कि सारा का सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E के इक्वल है, ठीक है। इफ R इज नॉट देयर, इफ आई एम इग्नोरिंग स्मॉल R, तो E इज इक्वल टू V पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ V/R, जो कि अब तक आप ओम्स लॉ से पढ़ते भी आ रहे थे। वोल्टेज कितनी है बच्चों यहाँ पर 20, R इक्विवेलेंट कितना है देखो 4 ओम ये और 2 ओम ये, यानी कि ये और ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि इसको जितना करंट मिलेगा 4 ओम को उतना ही दोनों को करंट मिलेगा। तो देखो 2 ओम आपस में पैरेलल में, तो इसको सोल्व करके कितना आएगा बच्चों 1 ओम, ठीक है, इसकी कॉम्बिनेशन को, ये 1 ओम और ये 4 ओम आपस में क्या सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, आप इसको ट्राई करके देख लेना 5 ही आएगा। तो इस तरह से मैंने करंट कितना निकाल दिया बच्चों 4 एम्पियर। अब कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, इस बैटरी से यहाँ से 4 एम्पियर का करंट निकला, 4 एम्पियर का करंट यहाँ पर पहुंचा। अब इसको कितना करंट मिलेगा, यहाँ पर करंट जाएगा I1, यहाँ पर करंट जाएगा I2। अब देखो मेरे लिए बताना इजी है कि देखो दोनों रजिस्टर्स आपस में क्या इक्वल है, तो 2 एम्पियर इसको जाना चाहिए, 2 एम्पियर इसको जाना चाहिए। बट अगर यहाँ पर वैल्यू डिफर करती तो आप क्या करते, तब तो आप ऐसे तुकाना मारते ना। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी बच्चों। देखो आप ये देखो कि 20 वोल्ट की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अपने आप को कुछ ऐसे डिवाइड कर रही है, इसके क्रॉस कुछ और होगा और इसके क्रॉस कुछ और होगा, है ना, दोनों आपस में सीरीज में है। तो मैं पहले काम करता हूँ, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालता हूँ। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आना चाहिए, आई इंटू में आर। करंट कितना मिल रहा है 4, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है बच्चों 16 वोल्ट का। इससे मुझे इस बात की क्लैरिटी हो गई कि इन दोनों पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो इनको कितना मिल रहा होगा, 20 में से 16 माइनस कर दूं तो इसको भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप मिल डिफरेंस मिल रहा है, और इसको भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। अब इससे देखो आप ये निकाल सकते हो कि जो I1 होगा वो क्या होगा, V/R1। V कितना जा रहा है बेटे यहाँ पर 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, इससे मैंने क्या निकाल दिया V/R करके 2 एम्पियर, यानी कि 4 में से 2 एम्पियर चला गया ऊपर, और सेम कहानी नीचे, सेम नीचे कितना चला जाएगा 2 एम्पियर का। अगर यहाँ पर 4 एम्पियर होता, अगर यहाँ पर 4 ओम होता तब देखो कहानी कुछ और होती ना, तो यहां पर कितना रहता 1 एम्पियर और 3 एम्पियर चला जाता है यहां पर, ठीक है।
तो आपको निकालना आना चाहिए, ये तो मैं आपको देखते ही बता सकता था, लेकिन अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती तो आपको क्या पता होना चाहिए कि अप्रोच क्या यूज़ करनी है। तो बच्चों देखो अब कहानी सिंपल है, यहाँ पर इसके अक्रॉस आपको आई की वैल्यू पता लग गई, वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है। मुझे अगर हीट एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर मुझे निकालनी है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज व्हाट, आई करंट कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर यानी कि 2 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना है, 2, राइट। और टाइम कितने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसको, 4 सेकंड के लिए, तो 4। तो सोल्व करूंगा बच्चों तो कितना आ जाएगा ये 8 × 4, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 32 जूल, राइट। अगर ये 32 जूल एनर्जी कंज्यूम करे तो ये भी कितनी कर होगा, 32 जूल। और अगर ये इसकी निकालूं, इसके लिए भी देखो क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी। करंट कितना है इसके अक्रॉस, 4। रेजिस्टेंस कितना है इसका, 4, यानी कि 4 का स्क्वायर × 4। और टाइम कितना है आपके पास, वो भी 4। अरे वाह, 4 4 4, तो ये कितना आ गया बच्चों, 4 4 16, और 16 का स्क्वायर यानी कि 196 जूल आ जाएगा आपके पास। 196 नहीं आएगा सॉरी, ये देखो ना 4 का स्क्वायर × 4 × 4, तो ये हो जाएगा 16 × 16 या 16 × 4 × 4, इट विल बी 64 × 4, इट विल बी व्हाट, 4 4 16 और 4 24 256, राइट। तो कितनी इसने कितनी कंज्यूम करी, 256, इसने कितनी कंज्यूम करी, 32 जूल, इसने भी कितनी कंज्यूम करी, 32 जूल। अगर मुझसे पूछा जाए कि टोटल एनर्जी बताओ कितनी कंज्यूम हुई, तो मैं बता दूंगा यहाँ पर टोटल एनर्जी बच्चों कंज्यूम हुई 32 + 32 + 256 जूल। इन तीनों को ऐड कर देना, आपको आपकी दूसरी बात का आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों इसको नोट डाउन करो, अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे, बल्ब वाली प्रॉब्लम्स पर आते सीधा। तो बच्चों हम समझते हैं कहानी बल्ब की। अब आप जब भी कोई बल्ब को मार्केट से खरीद कर लेकर आते हो तो उस पर लिखी होती है पावर रेटिंग। आप ऐसा जनरली बोलते हो अपने घर में कि भाई ये 100 वाट का बल्ब है, ये 50 वाट का बल्ब है, तो ये 50 वाट वाला कम ग्लो करेगा और 100 वाट वाला जो बल्ब है, 100 वाट वाला बल्ब है, उसकी रोशनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ही यही है एक्चुअल में, देखो मैं आपको कहानी समझाता हूँ पूरी। पावर रेटिंग ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि वो बल्ब दोनों अगर मैं एक ही जगह लगाऊँ, राइट, और दोनों को 2 मिनट तक ग्लो कराऊँ, तो मुझे ये समझ आएगा जो 100 वाट वाला बल्ब है वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ज़्यादा एनर्जी को खर्चेगा, ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा मतलब, तो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, ठीक है। कहानी यहाँ तक समझ आती है, इसका एक्चुअल में मतलब समझते हैं पहले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बल्ब पे पावर रेटिंग जो 100 वाट लिखी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी पावर रेटिंग आपको हमेशा 100 वाट ही, मतलब उसकी जो पावर कंजप्शन है वो 100 वाट के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, नहीं। ये तब है जब आप उसको 220 वोल्ट सप्लाई के साथ यूज कर रहे हो। जनरली जो इंडियन सिस्टम है वहां पर आपके घरों में जो पावर हाउस से बिजली आ रही है वो 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर आ रही है। तो आपके घर में जितने भी डिवाइसेज है उसको हम इस तरह से डिजाइन करेंगे कि अगर वो 220 वोल्ट सप्लाई पर यूज हो तो उन पर लिखी गई पावर रेटिंग वैलिड है, वो उतनी ही पावर रेटिंग पर काम कर रहे हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब घर में पीछे से बिजली थोड़ी सी कम आ जाती है, जब डिम हो जाते हैं आपके बल्ब वगैरह, आप बोलते ना कि वोल्टेज चेक करके आओ जरा कितनी है, आपको वोल्टेज हमेशा 150 या 170 वोल्ट मिलती है, तो बल्ब की रोशनी भी डिम हो गई। अब इसमें बल्ब का तो कोई कसूर है नहीं, और आप उस डब्बे को ध्यान से देखते हो, भाई इस पे तो 100 वाट लिखा हुआ था लेकिन बल्ब तो डिम हो गया। पावर रेटिंग किस पे डिपेंड कर रही है, पावर रेटिंग डिपेंड करेगी किस वोल्टेज पे आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। अगर आप 220 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो वो अपनी 100 वाट की पावर रेटिंग के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। हाँ, अगर पावर यही चीज कम कर दी तो ये वैलिड नहीं है, ये इससे थोड़ा सा कम पावर रेटिंग दिखाएगा, ठीक है। इसको हम टेक्निकली जानते हैं, राइट। जैसे कि इंडिया में 220 वोल्ट है, अगर यूएसए की बात करूँ तो वहाँ 110 वोल्ट, ठीक है। न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और है। तो ये जो वोल्टेज है जो आपके घरों में आ रही है ये वेरी करती है, और आपके इंडियन में जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स डिवाइसेस बिकते हैं वो इस चीज़ पर बिकते हैं कि इनको 220 वोल्ट सप्लाई पर ऑपरेट किया जाना है। तो कहानी समझो जरा बच्चों, बल्ब वन की पावर रेटिंग थी 100 वाट जब 220 वोल्ट पर ऑपरेट किया गया। अगर आपके घर में वोल्टेज सडनली ड्रॉप हो जाए 110 वोल्ट तो बल्ब की पावर रेटिंग कितनी होगी, बताओ कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको बस ये जानना है, मैंने देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज कर दी। पावर चेंज होगी तो यस, P1 अलग है, P2 अलग है, क्योंकि ये तो पूछ ही रहा हूँ कि पावर चेंज कितनी होगी। वोल्टेज चेंज हुई तो यस, वोल्टेज भी चेंज हो गई। क्या करंट भी चेंज हुआ इस प्रोसेस में,
आंसर है यस। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज कम होगी तो करंट भी कम होना चाहिए। बचा क्या रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस चेंज हुआ? नहीं। इसके अंदर पहले जो वायर थी, जो मटेरियल था वही अब है, उसी लेंथ का सेम मटेरियल आर। तो इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ एक ऐसी चीज थी जो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, दैट इज रेजिस्टेंस। और इसी का ही तू फायदा उठाएगा, इसी का ही तू फायदा उठाएगा। यहां से तू एक बार रेजिस्टेंस को डिफाइन करो जरा, पावर क्या होती है वी स्क्वायर बाय आर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो बेटा देख वोल्टेज कितनी है यहां पर, 220 का स्क्वायर, आर तेरे को निकालना है, तो बीच में पावर ले आ यहां पर, आर की वैल्यू निकाल दे, पावर कितनी दे रखी है 100, तो ये हो जाएगा बच्चे 484 अपॉन में 100। इससे तेरे को पता लगा कि जो यहां पर रेजिस्टेंस है वो कितना है 484 ओम। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 484 ओम। रेजिस्टेंस चेंज भी नहीं हुआ और मुझे बताने कि पावर कितनी है, तो मेरे लिए देखो कितना हलवा सवाल बन गया ये। पावर कितनी है कैसे निकालूंगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप कि आपको विजिबल होगा, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। पावर क्या है, वी स्क्वायर बाय आर, वी की वैल्यू कितनी 220 का स्क्वायर, आर कितना है आपके पास, आर अभी आपने निकाला ना 484 ओम, तो 484 से डिवाइड कर दो। तो जब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास सोल्व करके, अच्छा यहां पर 110 वोल्ट है ना वोल्टेज, तो 110 लगाओ, यह आ जाएगा 12100 अपॉन में 484। तो पावर रेटिंग जो आई बच्चों वो आई 25 वाट, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप कर देने से, वोल्टेज को कम कर देने से जो पावर रेटिंग है वो भी ड्रॉप हो गई, वो कितनी आ गई 25 वाट। यानी कि अब ये बल्ब जो है थोड़ा सा कम ब्राइटली ग्लो करेगा। कहानी का जो मोरल है वो ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ब्राइटनेस किसी भी बल्ब की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि वो कितनी पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। आप ब्राइटनेस को कभी भी जज नहीं करोगे पावर रेटिंग को देखकर। हो सकता है कि पावर रेटिंग हो 100 वाट, लेकिन वो ब्राइटली कम ग्लो कर रहा हो, इतनी वो पावर को कंज्यूम ही ना कर रहा हो। पावर रेटिंग का मतलब है कि वो उसकी इतनी कैपेबिलिटी है, पावर कंज्यूम कितनी कर रहा है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वोल्टेज कैसी मिल रही है और कंडीशंस कैसी मिल रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सपोज करो मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ, मेरे हर बार 95 या 96% आते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे स्माइल कर रहे होंगे, सर तो मेरी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अपने आप इस एग्जांपल को आप ले लो, आपके 96% आते हैं हर बार, लेकिन अगर मैं पेपर को ऐसा सेट कर दूं कि मैं नलायक बच्चों को क्लास के पेपर बता दूं और आपको पेपर ना बताऊं, और उन बच्चों को उसी पेपर को मैं 10 दिन से लगातार लिखवाऊं, तो अब क्या होगा, कंडीशन मैंने आपके लिए बदल दी। अब आपकी कैपेबिलिटी है कि 96% ला सकते हो, लेकिन मैंने पेपर ऐसा बदल दिया जो सिर्फ उन बच्चों को पता है और आपको उसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है, और आपको बोल दूं कि भाई हाँ पेपर दो। अब आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर पाओगे, अब वो लोग काम कर पाएंगे जिनकी कैपेबिलिटी नहीं थी। तो ये मेरी जो कहानी आपको अब अगले एग्जांपल में समझ आएगी कि पावर रेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि बल्ब बहुत ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, पावर रेटिंग का मतलब है कि उसकी इतनी कैपेबिलिटी है अगर 220 वोल्ट पे यूज किया जाए। हाँ, पावर कंज्यूम करना बल्ब का ये बात वैलिड करता है कि भी हाँ उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी। पावर रेटिंग और पावर कंजप्शन दो अलग अलग चीजें हैं। पावर रेटिंग उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी, पावर कंजप्शन की वो अभी कितनी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम सीधा एग्जांपल पर आते हैं। अब बच्चों आपको सामने दो अलग अलग तरह के सर्किट नजर आ रहे हैं। एक सर्किट में मैंने क्या किया, सीरीज में 3 बल्ब लगा दिए, B1 B2 B3, पावर रेटिंग 100 वाट, पावर रेटिंग 50 वाट, पावर रेटिंग 20 वाट। फिर मैंने इन्हीं को पैरेलल में कनेक्ट करा, और मैं आपसे यहां पर भी यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, और यहां पर भी यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। तो कौन सा बल्ब ग्लो करेगा देखते हैं। अगेन अगर आपका जवाब यह है कि पावर ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा, तो यहां पर भी 100 वाट को ज्यादा ग्लो करना चाहिए और यहां पर भी 100 वाट को ज्यादा ग्लो करना चाहिए, क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन आपकी इस बात में सच्चाई नहीं है, इस बात में एक बहुत बड़ा लूप होल है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। पावर रेटिंग से ब्राइटनेस जज मत करो जब तक मैं आपको कोई ट्रिक ना दूं। इसकी ट्रिक मेरे पास है, बहुत खतरनाक ट्रिक है, आपको मैं दूंगा लेक्चर के एंड में। हाँ, पावर कंजप्शन से हम इसका जरूर पता कर सकते हैं। देखो अब मुझे ये पता है कि ये बल्ब 100 वाट का है, बट इसको वोल्टेज 220 वोल्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि सीरीज में
इसके क्रॉस वोल्टेज होगी V1, इसके क्रॉस वोल्टेज होगी V2 और इसके क्रॉस वोल्टेज होगी V3। तो हो सकता है इसको 110 मिल रही हो, इसको 100 मिल रही हो और इसको सिर्फ 10 मिल रही हो, है ना। तो हम ये जज नहीं कर सकते कि भाई सभी के सभी 220 वोल्ट पे, बट इस बात की श्योरिटी यहां पर है, यहां पर तीनों बल्ब को 220 वोल्ट ही मिल रहा होगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अब यहां पर पहले इस कहानी को पूरा करते हैं। देखो अब मुझे इतना जरूर पता है कि इन सबके अक्रॉस करंट की वैल्यू सेम है बच्चों, राइट। तो पहले काम करते हैं, जब मैं मार्केट से इस बल्ब को खरीद कर लाया हूँगा और मुझे यहाँ पर ये देखा इसके ऊपर कि 100 वाट लिखा हुआ है, तो मैं ये बोल सकता था कि इसका जो रेजिस्टेंस है, अगर ये वोल्टेज 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाए तो फॉर्मूला क्या बनता है, वी स्क्वायर बाय आर, मतलब वी स्क्वायर बाय पी। रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होता ना, रेजिस्टेंस तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वोल्टेज कितनी है 220, बल्ब का एक्चुअल रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ अभी मैं, है ना, 220 इसलिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर एक्चुअल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। पावर कितनी है भाई, पावर पावर ये रही 100, ठीक है। सिमिलरली बल्ब वन के लिए रेजिस्टेंस निकाल रहा R1, बल्ब टू के लिए रेजिस्टेंस क्या आएगा, अगेन वी स्क्वायर अपॉन में P2, राइट। तो 220 का स्क्वायर अपॉन में सेकेंड बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 50 से डिवाइड कर दूं। अब आप ये ना सोचना कि यहाँ 220 में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, 220 तो अलग अलग है, नहीं मैं एक्चुअल रेजिस्टेंस निकाल लूँ, एक्चुअल रेजिस्टेंस ये बात समझ के निकालूंगा कि भाई 100 वाट ऑपरेटेड है 220 वोल्ट, उसके बेसिस पर इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट। मैं इस वोल्टेज को यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल अगर यहाँ पर ये 200 वोल्ट भी होता तभी मैं 220 ही यूज करता यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअल घर में आने वाली वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वोल्टेज यहां पर मैटर नहीं कर रही है अभी। इसी तरह से अगर मैं R3 निकालूं तो वो क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन में P3, तो यानी कि हो जाएगा 220 का स्क्वायर अपॉन में P3, पावर कितनी है 20। अब अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहां पर ऊपर वाली टर्म सबके लिए सेम है, तो लेट अस टेक इट x, राइट। तो ये कितना है x बाय 100, ये कितना है x बाय 50 और ये कितना है x बाय 20, बस। इससे ज्यादा मैं अपना टाइम कैलकुलेशन में बर्बाद नहीं करूंगा। अब मुझे ये कहानी समझनी है कि रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, ये वाला, है ना, यानी कि R3 क्या सबसे ज्यादा है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो R3 सबसे ज्यादा, फिर R2 और फिर R1, राइट। तो यानी कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसका उससे कम है और इसका सबसे कम है। अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर का फॉर्मूला निकालूं तो पावर का फॉर्मूला क्या बनता है, I2R1 पहले बल्ब के लिए, I2R2 दूसरे बल्ब के लिए और I2R3 तीसरे बल्ब के लिए। अब I तो सबके अक्रॉस सेम है, तो पावर कंज्यूम कौन ज्यादा कर रहा है सबसे ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा यानी कि R3। तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो यहां पर लिखा था ना R3, इस ऑर्डर को ऐसे ही रहने दो, देखो R3 यानी कि ये वाला फैक्टर सबसे ज्यादा, ये वाला फैक्टर उससे कम और I2R1 सबसे कम। तो इससे मुझे पता लगा कि जिस भी बल्ब का पावर कंजप्शन, पावर रेटिंग डजंट मैटर भाई, पावर रेटिंग तो इसकी ज्यादा थी 100 वाट वाले की, पावर कंजप्शन किसका ज्यादा हुआ, इसका 20 वाट वाले का। तो मैं बोलूंगा 20 वाट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा सबसे, और 100 वाट वाला जो बल्ब है सबसे कम ग्लो करेगा, राइट। तो कहानी समझ आई बच्चों ये वाली, पावर रेटिंग मेरे लिए हमारे मैटर नहीं करी, मेरे लिए मैटर ये करा कि कौन सा बल्ब कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वो कौन सा कर रहा है यहां पर जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब ये चीज अगर यहां पर मैं समझू, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो कि आपके घरों में भी है, अगर यहां पर इन तीनों बल्ब को जज करूं तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है V2R, राइट। क्योंकि यहां पर वोल्टेज सेम है इसलिए मैं वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है तो पावर किस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पर, है ना। वोल्टेज सबके अक्रॉस सेम है तो पावर किस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पर। तो मैं ये बोलूंगा यहां पर आर की वैल्यू जिसमें ज्यादा है पावर कंजप्शन उसमें सबसे कम होगा। अब आपको पता है कि बल्ब B3 है, R3 रेजिस्टेंस वाला, ये है R2 और ये है R1। R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा तो पावर क्या हुई, सबसे कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यहां पर 100 वाट जिसका रेजिस्टेंस था R1 जो कि सबसे कम था वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, राइट। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं कि इस केस में 100 वाट वाला बल्ब क्या होगा, ज्यादा ग्लो करेगा, राइट। 100 वाट ग्लो करेगा ब्राइटेस्ट, ठीक है। तो हमको रट्टे नहीं मारने यार, कंसेप्ट को समझ लो, ठीक है। यहां पर पावर रेटिंग जिसकी ज्यादा थी वो बल्ब ग्लो भी सबसे ज्यादा कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसको एनर्जी, उसको जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन है पर यूनिट टाइम वो सबसे ज्यादा मिला। जनरली आप यही तो बोलते भाई, ये 100 वाट का बल्ब, ये 50 वाट का बल्ब, अब वोल्टेज जैसे मर्जी फ्लक्चुएट हो, हमेशा 100 वाट वाला 50 वाट से ज्यादा ग्लो करेगा, क्यों, क्योंकि आपके घरों का कनेक्शन पैरेलल में, तो इसलिए आप इस बात को बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि बड़ा बल्ब है तो हमेशा इसकी जो
रोशनी वो ज़्यादा ही रहेगी, चाहे जितनी मर्जी वोल्टेज आती रहे, है ना, दूसरे बल्ब की कंपैरेटिवली। तो ये कहानी थी बच्चों, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अब मैं इसकी आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक को अभी लिखते हैं, इसको आप आई होप कि नोट डाउन कर चुके होंगे। तो बल्ब वाला क्वेश्चन कभी गलत मत करना यार आज के लेक्चर के बाद। सीरीज और पैरेलल में जो बात समझ आई उसको मैं अब देखो इस कहानी से सुना रहा हूं। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो जरा एकदम। मैं यहां पर लिख रहा हूं एस एल पी आर पी एच पी आर, ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे मैं सर्किट बना रहा हूं। यहां पर दो बल्ब यहां पर लगा दिए सीरीज में। अभी मैं पावर रेटिंग की बात कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में आपको पावर रेटिंग गिवन होती है, उसके बाद आपको कहानियां वो सोल्व करके कैलकुलेट करके सारा कुछ बताना होता है। दिस इज बल्ब बी वन, दिस इज बल्ब बी टू, ये है 100 वाट का और ये है 50 वाट का। सेम यहां पर मैंने बना दिया देखो ऐसे, दोनों को हमने वोल्टेज जो दी वो 200 वोल्ट की दी। तो अब बात करते हैं बच्चों ट्रिक की। अब तक जो मैंने 30 मिनट तक सिखाया आपको इससे पहले लेक्चर में, अब तक वो था कंसेप्ट। अब आपको अगर ये कैलकुलेशन करने से बचना है, आप चाहते हो कि भाई क्वेश्चन आपके सामने है और आप सिर्फ 2 सेकंड में बता दो कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और आपका टाइम बहुत सारा बच जाए, तो उसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है। अब ये ट्रिक बहुत ही अजीब है। अब आप कहोगे कि सर ये ट्रिक कैसे बना दी आपने। जब भी एक अंग्रेज से पूछा कि भाई आपका पेपर कैसा हुआ, अंग्रेज से हमने क्या पूछा, हाउ वॉज योर पेपर, तो अंग्रेज ने बोला आई वॉज स्लीपर इन पेपर, उसने बोला कि मैं स्लीपर था पेपर में। तो इसको आप ऐसे याद रखो, देखो अंग्रेज ने बोला स्लीपर इन पेपर, स्लीपर SLPR सीरीज में लो पावर रेटिंग वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, पेपर वो पेपर नहीं बोलता, वो पेपर बोलता है, तो पैरेलल में हाई पावर रेटिंग वाला ज्यादा ग्लो करेगा। अर्थात इसका ये मतलब हुआ अगर मैं 100 वोट और 50 वोट को सीरीज में जोड़ूंगा तो पावर रेटिंग देखते बता दूंगा कि भाई ये सीरीज में है स्लीपर, सीरीज लो पावर रेटिंग भाई, यानी कि 50 वोल्ट वाला जो है वो ज्यादा ग्लो करेगा बल्ब, फेफर। और पैरेलल में अगर ये कॉम्बिनेशन होता तो 100 वोट और 50 वोट में से पैरेलल हाई पावर रेटिंग, तो भाई ये वाला 100 वाट वाला ज्यादा ग्लो करता। तो अगली बार कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट, सीरीज में स्लीपर, सीरीज लो पावर रेटिंग, जिसकी लो पावर रेटिंग होगी वो ज्यादा ग्लो करेगा। अब आपको यहां पर वो लंबी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, R1 निकाल लो, R2 निकाल लो, फिर कंपेयर करो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट डजंट मैटर, भूल जाओ उसको, ठीक है। कंसेप्ट के लिए था, कंसेप्ट आपको आना भी चाहिए, कल को कोई पूछ ले आपसे तो आपको चार चीजें पता भी नहीं चाहिए, लेकिन साइड बाय साइड अपना टाइम भी सेव करना है। टाइम सेव कैसे होगा, जब अपने को ट्रिक्स पता होगी, ठीक है। तो स्लीपर पेपर, अंग्रेज ने ये बोला स्लीपर इन पेपर, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अब बारी आती है कमेंट बॉक्स क्वेश्चन की। आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग दूंगा, जब भी क्वेश्चन डालता हूं 5 मिनट के बाद ही हिमांशु भव्या वंशिका ये आंसर लिख देते हैं। आज थोड़ा सा हम चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको देते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है, 3 बल्ब हमने कनेक्ट करे कुछ ऐसे, अब देखते हैं कि कौन सबसे पहले मुझे आंसर दे पाएगा। अब देखते हैं, ये है मान लो 220 वोल्ट, ये बल्ब है 100 वाट का, ये है 50 वाट का, और ये बल्ब भी है 50 वाट का। दिस इज बल्ब B1, दिस इज बल्ब B2 एंड दिस इज बल्ब B3। क्वेश्चन है विच बल्ब विल ग्रो ब्राइटेस्ट, कौन से बल्ब की रोशनी सबसे ज़्यादा तेज़ होगी अगर मैं उसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करूँ, ठीक है, B1, B2, B3 और 220 वोल्ट। अब करो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन सबसे पहले करके देगा मुझे, राइट। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है CBSE लेवल में। और हाँ, ये क्वेश्चन जहां पर भी है जैसे भी है कंसेप्ट यही रहेगा, आपको बस इन बातों को बहुत ही ध्यान से नोट डाउन करना है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम डिवाइसेस शुरू कर देंगे, 3 से 4 लेक्चर का सफर और रह गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की सीरीज को ध्यान से आप लिखो, चैप्टर स्कोरिंग है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ, मैं आपको शुरू में भी बता रहा था और दोबारा बता रहा हूँ कि अब मैं एक NCERT
सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आपको ऑन पेपर सोल्व करके दूंगा डिटेल में, और यूट्यूब इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों तक इस चैनल को भेजो, उनको इन लेक्चर्स तक पहुंचाओ, ताकि वो अपने कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन और सितंबर एग्जामिनेशन अगर स्कूल में होते हैं तो उसमें क्या अच्छा स्कोर कर सके। चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं कमेंट्स जब पढ़ता हूँ कमेंट बॉक्स में, जब आप मुझे सॉल्यूशन देकर भेजते हो इसका कमेंट बॉक्स क्वेश्चंस का, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप सभी बच्चों को ये करना चाहिए। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे कंसेप्ट को सीख लेते हैं बट इतना उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर कर दे, तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेकर आओ बच्चों। और हाँ, इस चैनल में आपको इसी तरह से वीडियोस मिलती रहेगी अगर आप चैनल को लाइक करते रहे और इन वीडियोस को शेयर करते रहे, इससे हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप लोगों के लिए हम भी क्या इस चैनल को और ज़्यादा बेहतर और बेहतर से बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।